चला गया बेल घुमाने को। मल कहते पहलवान को, ला गया बेल घुमाने को, रला गया बेल घुमाने को। और एक मल्ल शहर में आ गया, ला गया बेल घुमाने को, एक मल्ल शहर में आ गया, ला गया बेल घुमाने को, ला गया बेल घुमाने को, रला गया बेल घुमाने को, ला गया बेल घुमाने को। पहलवान के साथ में कौन कुश्ती घुड़ेगा, जो भी कुश्ती घुड़ेगा उसने तो यो मार गिरेगा। फिर कोई घुड़न खातर नहीं आया, राजा कमल नैन के दरबार में पहुंच गया। राजा ने नियुक्त कर लिया, ओ राजा मैं जीत गया, मेरी इस साल की इनाम दे। राजा कमल नैन ने ललकारन लग गया, नियुक्त करने लग गया। क्या कह रहा था सुनिएगा, पहुंच गया कचेड़ी ठेठ, पहुंच गया कचेड़ी ठेठ, बोलिया दे दे मेरा रुपया बे, बोलिया दे दे मेरा रुपया बे, पहुंच गया कचेड़ी ठेठ, बोलिया दे दे मेरा रुपया बे। ओ सब मर्द करे ना मेट लग्या फिर जोर दिखाने को, आता रहेगा। अच्छा लगे तो आप ताली बजाते रहना। सुनिएगा, फिर जब कोई गोलन खातर नहीं आया और राजा कमल नैन के दरबार में जाकर के नियुक्त करने लगा, रे ओ राजा ये सारे हिजड़े भर्ती कर रखे ना, मर्दों की भूमि होगी, कोई मेरे तक घुलना नहीं चाहता। बहुत ऐसा बैठा जो भीम ने चून की डली दे रखी थी कान में एक लिकड़ की, और ये आवाज भीम के कानों में जाकर के गिरती है कि भाई ये ना मर्दों की भूमि है। फिर तो भाई दादाजी चून के हाथ ही खड़ा हो लिया वो भीम बली। उसी राजा कमल नैन के दरबार में राजा कमल नैन का साला कीचक भी बैठा था, हिम्मत नहीं पड़ रही थी पहलवान के साथ लड़ाई करने की, कुश्ती घुलन की। वो भीम बली गुस्से में भर के खड़ा हो गया और क्या कर दिया सुनिएगा, क्या लिखा, जितरू कहे टड़िया नहीं टाड़िया, जितरू कहे टड़िया नहीं टाड़िया, लड़िया नहीं राजा का साला, लड़िया नहीं राजा का साला, जितरू कहे टड़िया नहीं टाड़िया, लड़िया नहीं राजा का साला। ओ फिर भीम उठ के चलिया उसकी बेल दबाने को, जाकर के बेल पे पांव धर दिया।
पांव धरती पहलवान ने घूम के देखे यार बेल तो कहीं ने दाब ली, कौन निमट गया राजा की नगरी में। वो भीम बली उस बेल ने दाबी खड़ा यार, हंसी उठ रही भीम बली के। आपके जमाने की दौड़ सुनिएगा दादाजी, क्या कर दिया था उस भीम बली ने, सुनिए। बलीने बेल पावत लई दबाए, पहलवान ने झटका मारिया, सोचिया भी ले छुड़ाए, झटक मझटकी होने लागगी। रंग मजे के लूट नाय, शेर न मिल जा सवा सेहरिया, शेर का कुछ भी उठे नाय, एक पाव ते बेल दाबली तेरे बाप ता छूटे नाय, एक पाव ते बेल दाबली तेरे बाप ता छूटे नाय, एक पाव ते बेल दाबली तेरे बाप ता छूटे नाय। हंसी उठ रही पिंपली के नुवला, तेरे बाप ने बुला ला वो छुड़वा लेगा। फिर तो पहलवान के भी गुस्सा उठ गया, पहलवान ने बोला ओ रोटी बनाने वाले तने न्यू बेरा है बेल दापण का के नतीजा है। ओ भंडारी ने बोला के नतीजा है, तेरी और मेरी तड़के कुश्ती होवेगी, कुश्ती में मैं तने मार दूंगा। हाथ ठा दिया भीम ने, बोला जा देखी जागी। गुस्सा उठ रहा भीम उस पहलवान के, पहलवान गुस्से में भरकर न्यू कर लगा भंडारी ने। सुनिए पहलवान ने गुस्सा आ गया, पहलवान ने गुस्सा आ गया, ज्यादा थूक बखेरे से दुनिया के मां घूम लिया मन, देखे मल्लू भतेरे से तेरी रमारी कुसती होगी, तड़के उठ सवेरे से तेरी रमारी कुसती होगी, तड़के उठ सवेरे से तेरी रमारी कुसती होगी, तड़के उठ सवेरे से। सुन तेरी और मेरी तड़के कुश्ती होगी। ओ भीम ने हाथ ठा दिया को जान दे। उसी राजा कमल नयन के दरबार में भीम का बड़ा भाई युधिष्ठिर बैठा था। युधिष्ठिर ने देखी कि भाई नाष्टल ने मरवा दिया, एने यो बेल दाब ली रियो एने छेत्ते को, क्यों अपना गुणवान कौन नहीं जानता सरपंच साहब, इसने बेरा लागा कि यो एने छेत्ते को, तड़के राजा ने बेरा लाग जाएगा या द्रौपदी है ये पांचू भाई यार दिसोटा मिलेगा। शरत ये थी कि बोल सकते नहीं थे, फिर के काम करा हाथ जोड़ लिया इशारा करा बेल का लियो, ओ काका ने जोड़ दी बहुत भारी गड़बड़ हो जाएगी। ओ भीम ने देखा यार यो बेल गलत दबकी दिखे, भाई इशारा कर रहा है, के काम करा भीम ने पांव हटा लिया, पांव हटाते पहलवान और सवा शेर। ओ भीम बली हाथ जोड़ पहलवान अकड़े, भीम बली हाथ जोड़ पहलवान अकड़े, इतनी गुंजाइश थी भीम के फिर चौंट गया। ये जो मैं सुना रहा हूँ समझ में तो आ रहा है ना आपके, एक बार ताली बजा दे आप जोरदार, सुनिएगा क्या लिखा। भीमबली न्यू असक बोलिया, भीमबली न्यू असक बोलिया, तेरे हाथ लगाऊं सू बेल दबी मेरी गलती होगी, उसकी माफी चाहूं सू, मैंने खान पीन न खुराक मिले मैं तो हाथी पाऊं खाऊं सू। फिर ने बोला तू टिकट बना लिया आदमी है तो तेरी हिम्मत कैसे होगी, तेने बेल दाब ली, अब तो तड़के कुश्ती गुलनी पड़ेगी। जब दो तीन बार तड़का का नाम लिया ना भीम के क्रोध शिखर में चढ़ गया और ने बोला तन खान पीन न खुराक मिले मैं तो हाथी पाऊं खाऊं सू, तड़के बेरा ना कदसी होगा भी लड़ना चाहूं सू, तड़के बेरा ना कदसी होगा भी लड़ना चाहूं।
आयोजित कुश्ती होनी थी, सारा नगर खड़ा होकर के तमाशा देख रहा कि इनका सूंद ठीक बैठ गया, जय की रड़क ने मेट दे तो रोटी बनाने वाला मेट देने कहीं का बाप की बस की बिना। फिर वो रानी सुदेशना राजा कमल नैन की घरवाली छज्जे पे खड़ी होकर के बाल सुखा रही थी, वहीं वो पांचों पतियों की पत्नी द्रौपदी खड़ी थी। रानी सुदेशना ने देखा गलत बोंद बैठ गया, क्यों रानी ने तो न्यू बेरा था बस निखालस रोटी बनानिया है। हाँ। रानी ने यो थोड़ी बेरा था कि भाई अंदर कुछ है बाहर कुछ है, क्यों भेष बदल रखा था। रानी ने बोली उस द्रौपदी ने, दासी ने भाज के जा, राजा ने जाके नु कहता कुश्ती ने बंद करवा दे नहीं रोटी बनाने वालों मरेगा, मेरी बस की ना है भोज की रोटी बनाना। क्या कह रही थी रानी सुनिएगा, रानी बोली सुनिए दासी, रानी बोली सुनिए दासी, ऐसा बहुत बिचारिया जा यो हड़का यो भारी दिखे सर के ऊपर डाया जा, ऊंट बलद का जोड़ा मिला दिया मुश्किल का रज सारा जा, कह दो कुश्ती नहीं लड़ेंगे कद भंडारी मारा जा, कह दो कुश्ती नहीं लड़ेंगे कद भंडारी मारा जा, कह दो कुश्ती नहीं लड़ेंगे कद भंडारी मारा जा। आने वाली बात के जा राजा ने नुकेदे कुश्ती ने बंद करवा दे। फिर तो भाई दादाजी द्रौपदी के भी छौं उठ गया, क्यों द्रौपदी ने भी बेरा था, पांचवा में सबसे ज्यादा नाश्ता यो ये जाए कि ऐसी तैसी कर दे तो यो कर दे, क्यों बीरबानी ने अपने आदमी की पहाड़ इतनी ओट हुआ करती है, चाहे आदमी दारू पीता हो चाहे नाली में पड़ा हो लेकिन आदमी तो आदमी है, बहुत भारी ओट हुआ करती है, और कोई भी बीरबानी ऐसी नहीं है जो अपने आदमी की बुराई सुनेगी। अभी थोड़ा दिन पहले की बात है, वो भाई दारू पी के गिर पड़ा नाली में, ए मगो भाभी वो भाई पड़ो, मैं नू कह दी ने बोले तेरा मुंह पे मारूंगी, ये कोई दारू पीवे से हे मको बुराई नहीं सुनेगी। द्रौपदी भी बुराई नहीं सुन रही थी, ने बोले सुन महारानी यो भंडारी नहीं हार सकता, ने बोले तू ज्यादा जानती है इसके बारे में, क्यों द्रौपदी ने रानी ने न्यू भी नहीं बेरा था कि ये द्रौपदी कौन है, ने बोले तू ज्यादा जानती है, ने बोले महारानी ज्यादा तो नहीं जानती पर मैं इतना जानती हूँ जो यो भंडारी हार जा कुश्ती में तू मेरे साथ में क्या कर दिए। क्या कह रही थी सुनिएगा, दासी बोली, दासी बोली सुनिए रानी, दासी बोली सुनिए रानी, क्यों बोला सा ठाटू ठाड़ जय भंडारी मरा हार जा, तड़ते गर्दन लिए पाड़ ऐसे ऐसे मल्ल न पूते किसने कदर दिवसीय गाड़, ऐसे ऐसे मल्ल न पूते किसने कदर दिवसीय गाड़, कितना आग धरती में गाड़ दिया ने। अच्छो नु बोली फिर हो जान दे कुश्ती ना, फिर हो जान दे थोड़ी देर भुआ का समुंडन करी डोल लगी जब आप डट जागी। फिर तो भाई वे दोनों पहलवान ग्राउंड में छोड़ यार, दोनों माते एक एक बाल्टी दूध पिया दी लंगोट कस के तैयार, सारा नगर खड़ा होकर के तमाशा देख रहा कि इनके सूंद ठीक बैठ गया, जय की रड़क ने काट दे तो यो रोटी बनाने वालों काट देने कहीं का बस की बात नहीं है। छज्जा पे लुगाई चढ़ गए उस कुश्ती ने देख रही है, बच्चे बच्चे के मुंह से आवाज आवे कि यो रोटी बनाने वाला जीतना चाहिए, जिसके साथ में इतने लोग फिर के वो आ रहा था, क्या कर दिया था सुनिएगा। सोनू मल्ले छोटे बराबर, दोनों मल्ल छोटे बराबर, दोनों ने लिया हाथ मिलाए धरती चूमी धूल लई और गुरु देवता लिए बनाए, अपने मन में सोच रहे थे अपना अपना दाव लगाए, एक हाथ ते पकड़ी कलाई दाव बैठ गया था उस भंडारी का भीमली का, एक हाथ ते पकड़ी कलाई उजे तैलिया पाव दबाए, फिर लाया एक धोबी पट्टा कलह जंग में पहुंचा जाए, भीम बली का दाव लाग तई सर पे ऊपर लिया
बिठा लिया। रुका पाट गया नगर मार चिल्ली माच की रुबला घेर दे इसने मार दे सुसरे ने। अनाली सारी नगरी हर साल लाख रुपए ले जा है। फिर दोनों हाथों से लेकर के सीधा खड़ा हो गया और वह खुशी का ठिकाना नहीं रहा, बहुत खुशी मना रहा। और फिर जी हमारे साहब वीरेंद्र जी हैं जो कई बार वीरेंद्र गुरु जी थमने तो मैं घनी बार देखो सु है ना मासी के पर यो नहीं सुनो तो थमने क्यों मासी मोक कोई ना दे फिर मासी ना दे जब मैं ना गाऊं। 100 रुपए दे करके सम्मान करते हैं वीरेंद्र साहब, बड़े अच्छे रागनी प्रेमी हैं और अच्छे श्रद्धालु हैं रागनियों के। फिर दोनों हाथ आता सीधा लेकर के ऊपर खड़ा होकर पर राजी होने लग रहा अक मेट दूंगा इस काम ने। फिर देखा युधिष्ठर ने चापड़ी भीच रखी दोनों हाथ जोड़ रखा, ओ ओ नाश्टल मरवा दिया, इन्हें छोड़ देनी बहुत भारी गड़बड़ हो जाएगी। फिर के काम करा भीम के साथ दो बात बन गई कि बस सांप के मुंह में चकचुंदर आ गई, इसने छोड़े तो सियान गई मारे तो जान गई। फिर तो साहब आंख मीच ली दोनों और कमर फेर ली, देखा ही नहीं युधिष्ठर का ली क्या कर दिया था। सुनिएगा आखिरी बात में राजा कमल नैन राजी हो गए न्यूकन लगे। चाही तो पूरी होती ना पूरी होती चाहना जी, आज ते पछ भंडारी तू पूरी खुराक खाना जी। महाभारत की कथा सुना दी सुनिया प्रेम का गाना जी, गाने आला सुनने आला पौसा कर तर जाना जी, करया बात का तोड़ बुजर कोई